सर, आपने धाकड़ फिल्म देखी है कंगना रनौत की, क्या कहना है इस बारे में? सर, कंगना रनौत ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया, नाइस एक्शन पिक्चर, इज बहुत पावरफुल एक्शन मूवी है। इसका स्टार्टिंग भी बहुत काफी अच्छा है, कंगना लुकिंग वेरी हॉट, शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी, और उन्होंने एक्शन बहुत अच्छा किया। अर्जुन रामपाल ने भी अपना फुल 100% दिखाया है, और दिव्या दत्ता ने भी आउटस्टैंडिंग किया। मिस्टर डायरेक्टर रईस रैजी गाई ने इस तीनों एक्टर से एक्टिंग निकाला है, देखा जाए तो मुझे तो बहुत पसंद आई। दो घंटे चार मिनट की पिक्चर है, लेकिन कब खराब होगी पता भी नहीं चला। समथिंग ये एकदम न्यू मूवी है, हिंदी फिल्म में ये कुछ अलग है, लोग बोलते हैं कि इसको हॉलीवुड से कॉपी किया गया, इसमें मेहनत नजर आ रही है बॉलीवुड की, देखा जाए। कंगना रनौत ने बहुत फैबुलस काम, 3 महीना कंगना ने मेहनत की है ऐसा बताया था उन्होंने एक्शन के लिए, और क्या नजर आता है उनका एक्शन मेहनत? फुल ऑफ एक्शन, इंटरवल का भी अच्छा है, इंटरवल के बाद भी मूवी अच्छी है, क्लाइमेक्स इज ऑल्सो गुड, पिक्चर में पूरे पिक्चर ने पकड़ लिया, और ये पिक्चर वर्ड ऑफ माउथ चलने वाली। कुछ नेगेटिविटी भी हो रही है कि यार स्टोरी थोड़ी फीकी है, एक्शन ज्यादा अच्छा है? फीकी नहीं, आपको पिक्चर पूरी पकड़ के रखती है। अर्जुन रामपाल ने, मैं अर्जुन रामपाल को एकदम ही नए रोल में देख चुका हूँ, दिव्या दत्ता ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, दिव्या दत्ता को देखेंगे उसको देखते रहे आपकी आंखें फटी फटी रहे, बहुत अच्छा एक्टिंग किया। और कंगना रनौत का एटीट्यूड जो पिक्चर में, उनका एटीट्यूड माहौलेस, दीपिका पादुकोण और कतरीना कैफ, वो लोग 10 जन्म में भी ये एक्टिंग नहीं कर पाएंगे सर, सही है। कंगना इज नंबर वन। सी, एक और सवाल आता है, सिनेमेटोग्राफी और एक्शन दोनों चीजों के लिए जाना चाहूंगा, इंटेंशनल वन वर्ड पावरफुल। मणिकरण में उसका देखिए, आपने क्रिश थ्री में जो उन्होंने रोल किया उनका जस्ट कॉपी रोल, लेकिन इसमें जो कंगना रनौत की एंट्री से जो दिखा, शी इज लुकिंग हॉट, डैजलिंग, सुपर, एक्सीलेंट, मार्वेलस। सो व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5 सर? सर, आई एम गोइंग 5/4। ओहो, सुपर हिट मूवी, आई एम टेलिंग यू, द वर्ल्ड पब्लिसिटी विल रन। थैंक यू सर, थैंक यू।